हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। बिग बॉस का 13वां सीजन रविवार को शुरू हो गया था। बिग बॉस में कंटेस्टेंट के बीच जमकर लड़ाई हुई। नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद शेफाली बग्गा और पारस छाबड़ा के बीच जमकर लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद पारस और असीम रियाज से लड़ाई हुई। दोनों की लड़ाई का सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई ने बीच बचाव भी किया। उसके बाद बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को बुलाकर अलग टास्क भी दिया गया। बिग बॉस कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला को घर में बहुत ही खतरनाक टास्क से गुजरना पड़ा। वहीं अपोजिट टीम के लोगों ने सिद्धार्थ की वैक्सिंग की और आरती को टॉर्चर किया। इसके अलावा दूसरी तरफ शेफाली बग्गा ने आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा। शेफाली ने उससे पूछा कि आरती और सिद्धार्थ आगे शादी करेंगे या नहीं। तो चलिए बताते हैं आपको बिग बॉस के घर के ड्रामे के बारे में। बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट लॉक हो गए हैं। इस बार बिग बॉस के घर में ड्रामा भी शुरू हो गया है। हर बार की तरह कंटेस्टेंट के बीच में नॉमिनेशन से लेकर घर के काम को लेकर लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं। बिग बॉस 2 की पायल रोहतगी ने अमीषा पटेल और कोयना मित्रा को बेरोजगार बताया है। पायल ने कहा कि वो भी बेरोजगार थी, इसलिए उन्होंने इस शो में हिस्सा लिया था। दूसरे एपिसोड में दिखाया गया कि घर में चाय पत्ती खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसके बारे में दिलजीत सभी घर वालों से सिर्फ सुबह और शाम को ही चाय पीने के लिए कहती हैं, ताकि पूरे हफ्ते चाय पत्ती चल सके। लेकिन असीम फिर से अपने लिए चाय बनाते हैं। असीम की इस बात पर पारस को गुस्सा आ जाता है और वो चाय पत्ती को लेकर असीम रियाज को खरी खोटी सुनाते हैं। इसके बाद खाने को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ डे के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई यही नहीं थमती। घर का राशन सिर्फ 2 दिन में खत्म होने पर सभी घर वाले शहनाज और पारस को टारगेट करते हैं, क्योंकि राशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी शहनाज और पारस की है। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम पल पल हाजिर होते रहेंगे। आप हमें बताइए कैसी लगी है आपको ये वीडियो, और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।